इशू हमारा स्टैंड इसमें बहुत क्लियर है, ये बात गोश्त खाने की नहीं है, ये बात सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की है। इसके ये फार्मर्स का इशू है, सात आठ साल के बाद फार्मर्स कहाँ रखेंगे, हमारे किसान कहाँ रखेंगे, ये गो उसको संभालेगा कौन, सरकार संभालेगी? कैटल इंसेंटिव दे रहे हैं, काउ इंसेंटिव दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, तुम ही संभालो बोले तो कैसे संभालेंगे? 36,500 रुपीज़ इज़ रिक्वायर्ड एवरी ईयर, आवर एवरेज अर्निंग ऑफ कर्नाटका फार्मर्स इज ओनली 1 लाख, एक के लिए 36,000 होगा तो दो के लिए कितना होगा, ऑलमोस्ट 72,000 रुपीज़ कहाँ से दे गए? और अगर हम जाके सरकारी गौशाले में रखे भी तो भी हमको ही फीस देना पड़ेगा, और जितने लोग जो लेदर इंडस्ट्री पे डिपेंड है, ऑलमोस्ट 25 मिलियन पीपल, 8 लोग दलित उस पर डायरेक्टली निर्भर है ये लेदर इंडस्ट्री पे, 5% कम हुआ है लेदर इंडस्ट्री इनके, जहाँ जहाँ इन्होंने ये बिल लाया है गो हत्या का, उधर 5% इंडस्ट्री कम हो गया है। तो ये किसके लिए बना जा रहा है, ना किसान इससे खुश है, ना दलित इससे खुश है, ना पिछड़े वर्ग इससे खुश है। ये जो कानून है ये टोटली इलॉजिकल है, अनइकोनॉमिकल है। सर, उनका कहना है कि बीजेपी का, कांग्रेस का जो कानून बनाया गया कानून है, इसको इम्प्लीमेंट में लाए। ये जो काउ स्लॉटर है एज 1954 से है, संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है, बट इन ये जो करेक्शंस लेकर आए हैं बिल में, उसके हम खिलाफ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू जी ऑलरेडी इसको डाले थे, सब अब तक तो ठीक ही चल रहा था ना, अभी उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा युवक को, तो सबको गौरक्षक बना रहे हैं। और लेदर इंडस्ट्री का क्या होगा, दलितों का क्या होगा जो इन पर निर्भर है, इस इंडस्ट्री पर निर्भर है? बात खाने की नहीं है, बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग छोड़ते हैं, वो उनकी मर्जी है, बट इज़ इट इकोनॉमिकली वायबल इवन फॉर द फार्मर? कहाँ रखेंगे अभी, जाके सीएम के घर में बांध दे, जाके किसानों से पूछिए क्या सोचते हैं इसके बारे में। ऑलरेडी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए हमारे सब जो लीडर्स हैं, एमएलएस हैं, ऑलरेडी पंचायत वाइज हेडक्वार्टर वाइज विजिट कर चुके हैं, जो भी है हमारे कार्यकर्ता को एकजुट होके इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑलरेडी हम बोले और तैयारी चल रहा है, तो बेशक हमारे मेजॉरिटी आएगी पूरे कलबुर्गी में। तो हैदराबाद का जो देखे हैं, जो नगरसभा इलेक्शन हुआ है, तो उस पर ज़्यादातर बीजेपी को कारण दिया है, वो अलग से क्या पड़ सकता है? नहीं देखिए, ये जो ग्राम पंचायत इलेक्शन होता है वो विदाउट सिंबल होता है, तो वो जो हुआ है कॉरपोरेशन इलेक्शन, उसका इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो सिटी में हुआ है, अर्बन लोकल बॉडी है, और जहाँ इलेक्शन पार्टी सिंबल पर ठहराया जाता है, इधर तो ग्राम पंचायत में कोई सिंबल नहीं रहता, तो जहाँ से बैकिंग रहता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो इस माहौल में हम ही जीत के आएंगे, देयर इज नो डाउट। सर, ये बताया सर, खास करके जो असेंबली में जो कल डिस्कस हुआ है, कल हंगामा हुआ है, क्या वजह है सर? वो तो आज बीजेपी वाले भी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी जब सभाध्यक्ष ऑलरेडी है तो जब उनको अपनी कुर्सी पर बैठने की भी इजाज़त चाह रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा फिर? व्हेन देयर इज़ ऑलरेडी द काउंसिल लीडर, बीजेपी वाले दरवाज़ा बंद करते हैं बाहर से, उनको अंदर ही नहीं आने देते सेशन के लिए, जाके किसी और को बिठा देते हैं, तो ये कौन सा तरीका हुआ, ये कौन सा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है उधर, तो इसलिए हंगामा हो गया। तो बीजेपी जो सरकार में है उनके जिम्मेदारी है कि रूल्स ऑफ द हाउस फॉलो करे, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का रूल्स फॉलो करे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स फॉलो करे, तो वही नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है तो थोड़ा बहुत तो गलाटा होगा ही। भाई आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो कल्याण कर्नाटक का रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड जो है, हमको ऑलरेडी 1,500 करोड़ आना था, हमको सरकार से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सिर्फ 1,131 करोड़ को मिला है, उसमें तो सिर्फ 250 करोड़ सिर्फ आया है, बाकी का अमाउंट अभी कब आएगा, कहाँ से आएगा अभी पता नहीं है। और यहाँ हमारे एमएलए साहब बोल फिर रहे हैं कि पूरा पैसा आ गया, पूरा तरक्की हो जाएगा कल्याण कर्नाटक का,
बट अभी भी टोटली रिक्वायरमेंट लास्ट ईयर का और दिस ईयर का जो दोनों मिला के मोर देन 2040 करोड़ है और अभी तक हमको 10% ही मिला है सरकार से। तो इस मामले में बीजेपी और जोर डालना चाहिए। अगर उनको जाके हुकूमत से बात करने की ताकत नहीं है तो हम जाके बात करेंगे करके उनको सलाह दिया है। थैंक यू।